नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। खबर अब और से। सोशल मीडिया ने बंधक बना रखे एक व्यक्ति को 12 वर्ष बाद मिलाया परिवार से। भोला होने के कारण आरोपियों ने 12 वर्षों तक रखा बंधक के रूप में। पटियाला की अपना फर्ज संस्था ने छुड़ाया कुलविंदर सिंह को। खबर विस्तार से। सोशल मीडिया कई बार जिंदगियां बचाने के लिए भी सहायक सिद्ध होता है और कई बार परिवारों को आपस में मिलाने का भी काम करता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया राजस्थान के अनूपगढ़ कस्बे से, जहां अबोर के गांव रोहेड़िया वाली निवासी एक व्यक्ति को बंधक बनाकर वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था। उस व्यक्ति के बारे में किसी ने गुप्त वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात की सूचना परिवार को मिली तो उन्होंने पटियाला के लखनी में चल रही संस्था अपना फर्ज सेवा सोसाइटी के संस्थापक पाल खरोड़ से संपर्क किया। जैसे ही संस्था ने पीड़ित को आरोपियों की चुंगल से छुड़ाया तो उसके परिजनों में खुशी की लहर आ गई। बीते दिन अपना फर्ज संस्था के संचालक पाल खरोड़ अपनी टीम के साथ श्रीगंगानगर कस्बे अनूपगढ़ 13 MD पत्रोड़ा पहुंचे, जहां 13 MD निवासी रमेश कुमार पूर्व सरपंच ने रोहड़िया वाली के निवासी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदर पुत्र करतार सिंह को पिछले 12 वर्षों से बंधक के रूप में रखा हुआ था, लेकिन गांव के किसी व्यक्ति ने कुलविंदर सिंह का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और यह वीडियो रोहड़िया वाली गाँव तक पहुँचा तो उसके परिजनों ने उसकी पहचान कर ली। इसके बाद कुलविंदर सिंह के परिजनों ने संस्था से संपर्क किया, फिर संस्था के सदस्यों ने आकर कुलविंदर सिंह को छुड़ा लिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कुलविंदर सिंह के पुत्र गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसके पिता थोड़े भोले हैं और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। इसी बात लगभग 12 वर्ष पहले की है, जब परिवार में किसी बात को लेकर गुस्सा होकर कुलविंदर सिंह घर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं चला। किसी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके पिता एक दिन सड़क पर टहल रहे थे और अचानक वहां से गायब हो गए। इसके बाद यह नहीं पता चला कि उन्हें कोई ले गया है या वे खुद अनूपगढ़ आए हैं, लेकिन अब उन्हें 12 वर्ष बाद मिले हैं। इसके बाद अबोर सदर थाना पुलिस को सूचित किया गया। सदर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान कलमबद्ध करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बारे में DSP देहात अवतार सिंह ने बताया कि कुलविंदर सिंह दिमागी परेशान रहता था, जिसके कारण आरोपी उसको अपने साथ ले गया और कई वर्षों तक काम करवाते रहा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी आरोपी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुलविंदर सिंह 38 वर्ष का था और 50 वर्ष की उम्र में मिला है। कुलविंदर सिंह जब घर से गायब हुआ तब उसकी उम्र 38 वर्ष थी और उसका परिवार उसे वर्षों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वे हमेशा कुलविंदर सिंह का जिक्र लोगों से करते थे। यही कारण है कि किसी ने उनकी बताई निशानियों के चलते कुलविंदर का वीडियो बनाया और उसका पता ठिकाना पूछा और वीडियो वायरल कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते हुए उन तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद कुलविंदर सिंह को आरोपी के चुंगल से छुड़ाने की प्लानिंग की गई और संस्था के सहयोग से छुड़ाया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि 12 वर्षों के बाद कुलविंदर सिंह अब 50 वर्ष का हो गया। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मनप्रीत के अनुसार, मेरे पिता यदि मेरे साथ होते तो मैं आज सरकारी अधिकारी होती। पिता को पाने की खुशी और आरोपियों के खिलाफ उसके पिता को बंधक बनाने पर रोष प्रकट करते हुए कुलविंदर सिंह की बेटी मनप्रीत कौर ने कहा कि वर्षों से अपने पिता की तलाश में दर बदर भटकती रही। मनप्रीत ने आरोपियों को भड़कते हुए कहा कि उसका पिता यदि उसके साथ होता तो आज वह सरकारी अधिकारी की नौकरी कर रही होती। आरोपियों द्वारा उसके पिता को बंधक बनाए जाने के कारण उसका करियर बर्बाद हो गया। मनप्रीत ने कहा कि पूरा परिवार गम में डूबा रहता था, आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू है और अपने पिता के 12 वर्षों तक प्रताड़ित किए जाने का गम है और गुस्सा दोनों है, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नाम क्या है थोड़ा? मेरा नाम केंद्र। अच्छा, ते किथे रहंदे सिगे, हुन किथे आए हो? जड़ा रहंदे सिगे कोटली। अच्छा, ते उत्थे कौन ले गया सिगा कड़साने? सुखाने तो नहीं गए जी अपन। हाँ, और केड़े पिंड परिवार लेके आए ना तो नू उत्थे जड़ा वो तो अपने ही है। हाँ, फिर उत्थे के मैं पहुँच गए सी? उत्थे पहुँच गए सिगे जी, कह रहा हूँ अनबन से थोड़ी जी। अच्छा, उस गर्मी ना फिर मैं जाता गया जी। तो जिथे उत्थे रहिंदे सी रमेश होर आंदे उत्थे, वो फिर उन्होंने की उन्हां दा तां साडी ना तू उन्होंने तो ला लारे ला
तेरी जमीन आ है, तेरी जमीन वो है, तेरी जमीन वो है। जिंद की गल की काम करवाते कुटते भी सी मारकुट भी करते सी मारकुट भी हो जाती क्यों कुटते क्यों सी कुटते से बस जो नाम है मूहरों आ जाता भी जिस गल तो मेरा ना इरादा होना मैं मूहरों आ जाना उदो कुट तो उतो आ नहीं देंगे सके ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਗਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੂਰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ उन्होंने उदे तक नहीं कुटिया उदो बाद फिर एक दिन मैं खेत बैठा सगा ठेके ते काम करा ठेके ते काम करा गले का दुकान चलन का गले का काम करा करके तो मैं घर आ गया घरों आके तो बस हम सारी मैं ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੂੜਾ ਤੇ ਕਰ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ 11 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ मेनू कुटदे आ मारदे आ आपदा सारा एड्रेस दस रहे सी आपदा नाम दस रहे सी सारा कुछ मेरे पापा ने दस्या कि मैं इत्थों दा रहण वाला उन्होंने सारा कुछ दस्या उन्होंने उन्हां दी वीडियो साडे कोले हौली हौली आई है सर दो तीन दिन पहला आई है साढ़े को वीडियो असी फिर असी जी पुलिस दे विच गए भी सी सोचा भी गए जाइए फिर कहिंदे भी कंध वाला है थोड़ा एरिया भी कंध वाले दे तुसीं उत्थे रिपोर्ट होगी उत्थे मेरा ब्रदर गया उत्थे किसी ने सुनी नहीं जी साड़ी फिर असी एक संस्था नूं कॉल की पटियाले तो संस्था पाल खरौड़ दी उन्होंने साड़ी बहुत मदद की जी उन्होंने मेरी सारी गल सुनी मैं खुद कॉल की उन्होंने उन्होंने मैनू कहा बेटा तू टेंशन ना लै आपां तेरे पापा नूं लैके ही मुड़ांगे वो साढ़े नाल गए उत्थे सर असी गए जदों तो मेरे पापा की हालत बहुत बुरी सी जी पशुओं को पानी पियाई जाते उस टाइम पर भी तो वह खुद दसदे आ कि उन्होंने सर एक फर्श सीगी तुसी साड़ी पशुओं वाली फर्श देख लो उस तरह की फर्श सीगी जिहदे उत्ते उन्होंने पैण वास्ते दिता जाता सीगा उसे पेंदे सीगे वह तो उस फर्श से उन्होंने सिट के कुटिया जाता सी सर कहिंदे किते भी मारदे सी मेरे पापा खुद ये कहिंदे भी किते भी मारदे सी उन्होंने वेखदे नहीं सी भी असी कित्थे मारी जांदे आ जिथे जी करता से उत्थे मारते उन्होंने तो इन्ने क पागल बनाते हैं ना हूँ सिर्फ एक हिसाब की साढ़े को लाश भेजी है जी उन्होंने होर कुछ भी नहीं किया ना मेरे पापा दो बोल के दस सकते हैं कि मैनू रोटी चाहिए है ज मेरा कुछ दुखद है कुछ नहीं दसते सिर्फ सानू पछाणते हैं बस कि असी उन्होंने आपदे हैं पर दस कुछ नहीं सकते सानू हूँ उदू भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर कि असी दवाई दवाने जोगे भी नहीं जो बंदा दसूगा ना सर भी मेरा आह दुखद है तो असी दवाई किवें दवा सकते हैं उस चीज़ की जिन्ना टाइम बंदा दसूगा ना रोटी ये नहीं खा सकते हम पूरी तरह कल असी रोटी खवाई उहदे विच भी इन्हां नूं बहुत प्रॉब्लम आई रोटी खाण तो बाद भी रज के रोटी खाधी इन्होंने दस साल बाद बंदे ने रज के रोटी खाधी तो बंदे का पेट खराब हो गया जी सर सानू इंसाफ चाहिए जी असी सज़ा दवानी चाहते हैं जी उन्होंने तो मेरे पापा की जो भी उन्होंने दिन रात मेरे पापा तो जो काम करवाया वो सानू सारे मेरे पापा मिलना चाहिए जी उन्हों का हक मेरी यही अपील है मेरे पापा का हक दवाओ जी भोले सीगे पर यह तो नहीं सी भी काम घट करते काम मेरे पापा बहुत ज़्यादा करते जिन्ना तुसी काम कराओगे उन्ना ही करते जी हुण बीमार भी है साढ़े को असी तो जी तेल दे विच गड्डी दे विच तेल जड़ा पा के लगाए ना किसी तो मंग के पैसे लैके गए सीगे फिर पा के लियाए हैं सर उन्होंने लैके आए हैं असी तेल पा के बहुत मुश्किल नाल गए असी
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਵਾਸੀ ਰੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੂਫ ਲਏ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ ਦੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ 13 MDF ਤੋਂ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਮਿਰਚੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਖੇਤ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਹਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਤਰੋੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 13 MDA ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪੀਤੂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਪੀਤੂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੀਤੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਊਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੱਝ ਜੂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 7-8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
उन्होंने मतलब ये तो पट्ठे भी पवाए, गोहा भी सटाया, पोचे भी लवाए, सारी दिहाड़ी कम तो इनू टिकन नहीं देंदे सी। ते रात नू पानी भी लाउंदा, खेती का कम है रात नू भी लै जांदे, ते बड़ा ही मतलब ये नाल धक्का होया जी। मतलब सारे अज शरीर ता ही नष्ट हो गया जी, जमा बिल्कुल मतलब नकारा होया फिर। पता सानू आईडिया आईडी मिली सी जी, असीं उहदे तों हौली हौली साढ़े पिछले पिंड पता लग्या, उत्थों उन्होंने सानू फोन करके सद्या, फिर सानू पता लग्या, फिर असीं मतलब इहनू उस करके मतलब असीं गए पहलां इहदे मतलब वी सारे प्रूफ तैयार करे, प्रूफ तैयार करके पूरे तौर पर फिर असीं गए गांह जाके, जो इहने सानू सियाणिया नहीं उदों मतलब भी सानू परेशानी ये होगी भी असीं इहनू किवें सबूत देईए भी साडा बंदा, वो सानू आंदे भी तुसीं इहदी आई डी लिया, तुहाडा तां बंदा ही नहीं गा, तुसीं इहनू किवें लैके चलने हैं। उदों सानू बड़ी परेशानी आई, हौली हौली ठंडा दिमाग होया, फिर इहने मेरा नाम लैता सारा कुछ मतलब भी फिर सियाणिया जी, तो बड़ी दिक्कत आई। फिर सानू वो बंदियां दा इन्ना डर सी कि वो बंदे जुड़न लग गए, इकट्ठे होण लग गए, तो सानू डर दे मारिया नू उत्थे असी एफ आर भी नहीं कटा के आ सके भी एक बारी बंदा आपदा लै चलीए बाद दे विच दा बाद कम करी चलांगे। हुण जी जिवें कोई मान सोचांगे जिस हिसाब नाल साडे दिमाग च कोई कारवाई आऊगी असी जरूर करांगे। संस्था साडे पिछे खड़ी है, जिन्हां ने सानू छडाया असी उन्हां दा लख लख शुक्रगुजारना करते हैं, दिने भी रात नू भी, जिन्हां ने सानू ये छड़ा के दिता जी, असी उन्हां दे मगर चलना, जिवें सानू वह आखणगे असी उस तरह की कार्रवाई करांगे। सानू वो 21,000 रुपया दिंदे सी मौके ते संस्था दी भी, इन्ने तो असी सानू सगन ते दे देंगे कुड़ी दे, ते तुसी नहीं लेने कुछ नहीं करना। वो सानू एक बारी उन्हां नू पता लग गया भी जाण के उलझाउंदे आ, चाह करके पिउण लग गए, उन्होंने अंदर टाइम लाउण की कोशिश की भी आप एक बारी निकल चलो, क्योंकि इत्थे अपना बंदा भी खोलिया, मुड़ के अपना बंदा भी नहीं हथ च आना, तां करके जी असी उत्थों इस करके मतलब भी गड्डिया छे नेड़े खिलारियां नहीं आ के बहुत दूर आके खिलारियां आई गलबात हुई है जी। एक एक इंसान घरे लियाउण दे विच कामयाब होए हैं, ये पिंड रूड़े वाली है जी, अबोहर शहर के नेड़े जी, तो इन्हां बारे असीं कुछ कु गल्लां तुहानूं दसना चाहुंदे आ, क्योंकि जो परिवार है जी, इन्होंने परिवार ने आस छड़ती सी जी, तुहानूं भी तुहाडे फादर होणगे जी, की सोचदे ने पिंड दे विच की गल चलदी सी जी? बस ऐ सीगा जी, सारे पिंड दे आंदे स्पेयर हो गए जी, जो पता ही लगा 11 साल हो गए जी। की उरों की करन गए सी जी? बस कुछ नहीं करे, बस कहंदे जी मैं भुआ जी कोले चलने बस। ओके जी, बस उत्थे ही गां चले गए जी। ओके ओके, ते ए बेटा उहनां दा, कि इहनां दा उहनां दी जान दे बाद इहनां दा विआह होया जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੇ UP ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।